सत श्री अकाल NSKUF पंजाब ऑनलाइन स्टडी सिस्टम विच आप सब का स्वागत है। मैं मोनिका शर्मा, ब्यूटी एंड वैलनेस ट्रेनर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कन्या गुरु हरसहाय। आज असी यूनिट 1 का सैशन 5 लिखन की मुहारत वाक पढ़ांगे। इस विच एक वाक दे किन्ने हिस्से हुंदे हन उस बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहला एक वाक नू पूरा करन दे लई तीन चीज़ां बहुत ही जरूरी ने। सब तो पहली है वस्तु, दूसरी है किरिया और तीसरी है ऑब्जेक्ट। इन्हां तिन्हां दे मेल नाल एक वाक बनता है। उदाहरण वजो चित्र दे विच दर्शाया गया है दिव्या रीड्स अ बुक। इस विच दिव्या एक सब्जेक्ट है, रीड्स एक वर्ब है, ए बुक एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की हुंदा है? सब्जेक्ट दे जो एक्शन नू परफॉर्म करता है या क्रिया करता है। रीड्स यानी कि वर्ब, वर्ब वो है जो एक्शन नू दसदी है कि की एक्शन होया है। पढ़िया गया है यानी कि पढ़ाई करना या पढ़ना एक एक्शन है, और वो एक्शन किन्ने रिसीव किया है उस नू असी ऑब्जेक्ट कहने हाँ। उस तो बाद एक वाक दे अंग दा टेबल तुहानू चित्र विच दर्शाया गया है जिदे विच चार उदाहरणां दसियां गईयां हन जो कि तुसी उच्ची पढ़ के उन्दे विच विशा, किरिया अते ऑब्जेक्ट दा विश्लेषण कर सकदे हो। उस तो बाद है वस्तु दियां किस्मां। वाक विचली इकाई सिद्धे जां असिद्धे हो सकती है। सिद्धे ऑब्जेक्ट ओ हुंदे हन जो किरिया शब्द द्वारा सिद्धे क्रियाशील हुंदे हन। जे किरिया पढ़ी है अते असी पुछदे हाँ दिव्या की पढ़दी है, जवाब किताब है जो सिद्धी इकाई है। एक सिद्धी वस्तु इस सवाल का जवाब की है। एक अप्रतख वस्तु प्रश्नां दे उत्तर दिंदी है, जिवें किस नू अते किस लई। उदाहरण दे लई अब्दुल ने अपनी माँ नू एक तोहफा दिता, किरिया दिती है। इस विच किरिया जो है उसने अपनी माँ नू तोहफा दिता है। तुसी 1.9 विच वेख सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक तोहफा ते एक माँ। अब्दुल ने की दिता? दात। अब्दुल ने यह उदाहरण किसनू दिता? उसकी माँ नू। इत्थे तोहफा सिद्धी इकाई है अते उसकी माँ असिद्धे वस्तु है। कुछ वाक विच सिर्फ सिद्धी ऑब्जेक्ट हुंदियां हन जदों कि कुछ विच सिद्धे अते असिद्धे दोवें ऑब्जेक्ट हुंदे हन। 1.12 विच सिद्धे अते असिद्धे ऑब्जेक्ट बारे वेरवा दिता गया है। सब तो पहला वाक असी पढ़ांगे, संजय ने सब्जियां खरीदियां, जिस विच किरिया खरीदियां, चीज़ खरीदी गई है एक किरिया है। किरिया प्लस की सब्जियां यानी कि सब्जियां खरीदियां गई ने। उस तो बाद है सिद्धा वस्तु यानी कि सब्जियां, केड़ी वस्तु खरीदी गई है, सब्जियां खरीदियां गई ने। उस तो बाद इस तरह ही अगे तीन उदाहरण होर है। तीसरी उदाहरण पढ़न जा रहे हाँ, उसने मैनू संतरे की पेशकश की। किरिया की है? पेशकश करना। किरिया संतरा है। किरिया किस द्वारा किसनू कीती गई? मैनू। सिद्धा वस्तु संतरा अते असिद्धे वस्तु मैनू है। वाकां दियां किस्मां दो तरह दी, वाक दियां दो किस्मां हुंदियां हन, एक्टिव अते पैसिव। संजय ने शीशा तोड़ दिता, ग्लास संजय ने तोड़िया सी। इस विच जो एक्टिव है, संजय ने शीशा तोड़ दिता, यह उदाहरण जड़ी है ये एक्टिव दी है। ग्लास संजय ने तोड़िया सी ये पैसिव दी है। अगे एक चित्र तुहानू दर्शा रहे हाँ जिदे विच इंग्लिश दे विच वाक लिखा होया है संजय ब्रोक द ग्लास। सब्जेक्ट संजय है, ब्रोक वर्ब है। अगर तुसी इसनू पैसिव दे विच बदलोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, दी ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। यानी कि तुसी एक्टिव तो इनू पैसिव दे विच चेंज कीता है। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ी उदाहरण है एक्टिव दी, डज द एक्शन संजय सब ब्रोक द ग्लास। जिहड़ा संजय है यह एक्शन है, जिहड़ा ग्ला संजय ने एक्शन कीता।
ग्लास टूट गया, उसने एक्शन नू रिसीव कीता, यह पैसिव है। एक टेबल है अगे एक्टिव ते पैसिव, इहदे विच तुहानू एक्टिव वाक दित्ते गए ने, उसनू पैसिव दे विच किवें बदलिया गया है वह दिखाया गया है। उसने एक पत्र लिखिया, उस वल्लों एक पत्र लिखिया गया सी, पहला एक्टिव है दूसरा पैसिव है। उसने दरवाजा खोलिया, उस द्वारा दरवाजा खोलिया गया। मोहन ने बांस वजा दित्ती, बंसरी मोहन ने निभाई। यह दोनों एक्टिव और पैसिव दियां उदाहरणां ने। उस तो बाद है वाक दियां किस्मां ते उन्हां दे उद्देश अनुसार। हू ब्रोक द बोटल, संजय ब्रोक द बोटल। नो आई डिड नॉट। पिकअप द पीसिस, यह अलग अलग तरह के वाक ने। इन्हां विचों हर वाक का एक वखरा उद्देश हुंदा है। यह भी ध्यान विच रखो कि चित्र 1.12 विच हरेक वाक किवें खत्म हुंदा है। हू ब्रोक द बोटल, किसने तोड़ी, यानी कि इत्थे क्वेश्चन किया गया है। अगो जवाब स्टेटमेंट जो आई है, संजय ब्रोक द बोटल, ये आंसर है उसका। संजय ने रिएक्शन दिता है, नो आई डिड नॉट। उस तो बाद ऑर्डर दिता गया उन्हूं पिक अप द पीसिस, कि ग्लास दे पीसिस नूं चक्या जावे, ये ऑर्डर है। यानी कि यह वाकां दीआं किस्मां ने जिस विच अलग अलग तरीके दे वाक ने। हुण तुसीं चित्र 1.12 विच देख सकते हो, बयान जां घोषणाकारी वाक, प्रश्न जां अंतरजामी वाक, भावना, प्रतिकरम जां व्यंगात्मक वाक, आर्डर जां जरूरी सज़ा। हुण इन्हां तिन्नां दे विच देखो अलग अलग साइन ने, हर वाक दे पिछे एक अलग अलग चिन्ह लग्या होएगा जिथों असीं उस वाक दी पछाण कर सकते हाँ। अगर बयान जां घोषणाकारी वाक है तां उस दे पिछे फुल स्टॉप लगा होएगा। जे अंतरजामी या प्रश्न वाक है, उस पिछे क्वेश्चन मार्क दा चिन्ह लगा होएगा, प्रश्नात्मक चिन्ह भी कहने असीं इहनूं। भावना, प्रतिकरम जां व्यंगात्मक वाक होएगा जिहड़ा उस दे मगर व्यंगात्मक निशान, जिन्हों कि असीं इंग्लिश दे विच एक्सलामेटरी साइन बोलते हाँ। इसका मतलब है उदासी जाहिर करना, डर जाहिर करना या हैरानी जाहिर करना। उस तो बाद है आर्डर जां जरूरी सूचना, इस पिछे भी फुल स्टॉप या व्यंगात्मक निशान ला के इस वाक नूं खत्म किया जाएगा। इंदियां नीचे उदाहरणां दित्तियां गईयां ने, तुहाडी किताब च भी दित्तियां गईयां ने, तुसीं इन्हां नूं पढ़ सकदे हो, समझ सकदे हो। उस तो बाद जो लास्ट दे विच है पैराग्राफ, पैराग्राफ दा मतलब है वाकां दा समूह। वाक अक्षरां नूं मिला के वाक बनता है, वाकां नूं मिला के जदों वाकां दा या शब्दां दा समूह हुंदा है उसनूं असीं पैराग्राफ कहने हाँ। उदाहरण वजों अगर तुसीं अपने स्कूल बारे कुछ लिख रहे हो तां तुसीं पहले वाक दे विच अपने स्कूल दा नाम, स्थान, आकार या होर भी अजिहे वेरवे दस सकदे हो, जदकि तुसीं दूसरे पैरे दे विच अपने स्कूल दे प्रति पसंदीदा चीज़ां दा वेरवा दे सकदे हो। इसनूं असीं पैराग्राफ कहने हाँ। किसे भी इंसान, जगह नूं एक्सप्लेन करन लई तुसीं पैराग्राफ दी वरतों कर सकदे हो। उम्मीद है तुहानूं इस वीडियो दे विच सैशन दी पूरी तरह समझ लगी होएगी। थैंक यू।